का चुनाव खत्म उस दिन फिर गिरेगी सरकार, देखिएगा एक ही साल सरकार चलेगी, बहुत होगी। मुजफ्फरपुर की सेवा एक बेटे की तरह करें। इसमें क्या होगा सर, 24 में ही तो नीतीश जी चुनाव का संकेत दिए नवंबर में, मतलब इंडिपेंडेंट रहेंगे आप या कांग्रेस को मजबूत करना चाहेंगे। प्रयास मेरा होगा कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए और कांग्रेस अकेले चुनाव मजबूती के साथ अपने पूर्णिया को नंबर वन करने के लिए सीमांचल कोसी की आवाज के लिए मैं कुछ भी करूं, और देश के पीएम और हमारे सीएम मिलकर बिहार के निर्माण में लगे। पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस को बनाना चाहते हैं आत्मनिर्भर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा, हम कांग्रेस में रहकर पार्टी को बिहार में मजबूत करना चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए, बिहार में फैक्ट्री और उद्योगों की स्थापना करवाएं। अब मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। उन्होंने तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए हुए उन पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की युवराज के कारण इंडिया गठबंधन कई सीटों पर हार गई। शुक्रवार को पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर सांसद पप्पू यादव का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, और बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो के नारे के साथ उनका स्वागत किया। पप्पू यादव ने कहा कि वह सिर्फ पूर्णिया ही नहीं पूरे बिहार के लिए काम करेंगे और संसद में बिहार के विकास के लिए आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब चाहेंगे तो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। बिहार को विशेष पैकेज मिल जाएगा, हाई डैम का निर्माण हो जाएगा जिससे मिथिला कोसी सीमांचल बेतिया से लेके मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जो इसकी जो स्थिति है यह बात के कारण प्रगति रुक गई है, तो हम अपेक्षा करते हैं अब नरेंद्र मोदी की सरकार तो रही नहीं, अब एनडीए की सरकार होगी। पहले लोग कहते थे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, अब बोलेंगे एनडीए की सरकार, एनडीए की गारंटी। जो बात हम पहले भी कहते थे 230 से ज्यादा नहीं आएगा, वो तो आप ये मानिए यदि बिहार के युवराज के भीतर एरोगेंसी और अहंकार नहीं होता तो बिहार कम से कम 25 सीट जीत, मैं क्लियर कह रहा हूं। अहंकार के कारण बिहार की दुर्गति हो गई। आप अंदाजा कीजिए एक व्यक्ति को हराना, अरे भाई आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो दिल भी तो बड़ा कीजिए। एक व्यक्ति के चलते कभी आज तक मधेपुरा हारे, अररिया हारे, सुपौल हारे, झंझारपुर हारे, दरभंगा मधुबनी सब हार गए, सीतामढ़ी शिवहर का क्या मतलब था हारने का। भाई आप सिवान में भी आपने यही किया, आपने कन्हैया जी को टिकट नहीं लेकर के आप क्या संदेश दिए। यदि आज कन्हैया लड़े होते हैं बेगूसराय से हर परिस्थिति में चुनौती, कितने कम वोटों से चुनौती है आप उठा के देखिए। आज बिहार और दिल्ली के कारण राहुल गांधी जी पीएम नहीं बनते, सिर्फ बिहार और दिल्ली की बात।
नहीं तो राहुल गांधी जी आज पीएम हो, कि किसका देश की क्षति हुई ना। और जब एनडीए की सरकार, अब तो बार्गेनिंग पावर है ना मुख्यमंत्री जी के, भाई मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब वो पैर छू रहे। मैं क्या बोलूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं बहुत कुछ। मैं जरूर चाहूंगा कि आप विशेष राज्य विशेष पैकेज ले लीजिए। तीन जोन है, एक है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। तो हम तो चाहते हैं कि हर कीमत पर पूर्णिया, सीमांचल, मिथिला, कोसी, जो तिरुत है मुजफ्फरपुर, मखान और मक्का, इस पर कम से कम 20-20 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री ले। सारी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई, और अभी उद्योग सरकार लगाया नहीं था, आज लाठी मार के उद्योग में गए। आपने दूसरा किस दिया नहीं, और नोटिस दे दी खाली करने का। और जब उद्यमी विरोध कर रहे थे तो आपने उद्यमियों को लाठी, मतलब क्या है ये डबल इंजन का पावर है क्या, ये बताइए ना। या आपने मान लिया है कि हम हिटलर की तरह शासन चलाते रहेंगे, जो मनाएगा करें। इसीलिए मेरा बस इतना ही है कि जो घटना घटी है उसकी इंक्वायरी हो, जो इसमें पदाधिकारी दोषी है मुअत्तल हो, और देश के पीएम और हमारे सीएम मिलकर बिहार के निर्माण में लगे, कोरोना भीड़ खत्म करें। सीएम साहब 69% जो आप आरक्षण दिए हैं, अब आप उसको देश में लागू करवाइए, ये मेरा मांग है। और जो आपने जाति जनगणना करवाया उसको देश में करवाइए, हम यही मांग करेंगे। सीएम साहब कहते थे उस वक्त आरक्षण विरोधी है, तो अब तो आप आरक्षण के पक्ष वाले लोग गए हैं ना, तो करवाइए 69%, करवाइए जाति जनगणना। और मैं उम्मीद करूंगा कि नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू के रहते हुए अब कोई नफरत की राजनीति नहीं है, अब नीति की हो। सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, और मोदी जी से आग्रह करेंगे, 400 पार तो दूर, आप 65 सीट हारे हैं, समझ रहे ना। इसलिए मोदी मैजिक भी गया, और हमारा संकल्प है बिहार की जनता, हम सदन में बिहार के हित में जितनी मजबूती के साथ लड़ सकते हो लड़ें। मुजफ्फरपुर की सेवा एक बेटे की तरह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जानना चाहती है कि आप एनडीए के साथ रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे, अपनी पार्टी फिर से। अब आप, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पक्ष में ही रहे। जब हम लगातार रायबरेली, अमेठी, बनारस, प्रतापपुर, सत्तानगंज, राजमहल, दुमका, गोड्डा, सारे जगह प्रचार में जा रहे हैं, और हमारी भावना है देश बचे, नफरत की राजनीति खत्म हो। प्रधानमंत्री तो हमारे भी ना हो, हमारे भी प्रधानमंत्री होंगे, तो हम प्रधानमंत्री से सेवा करें। हम अपने बिहार के लिए लेंगे सेवा, जब भी वो विकास के लिए हमें मदद करेंगे हम उसकी सराहना करें। प्रधानमंत्री जी की पूरी इज्जत करते हैं। क्या क्या कारण रहा जो तेजस्वी यादव विरोध करते हैं आपका? अब आप इस बात, पुरानी बात तो छोड़िए, मैंने कहा ना हमारी और उनकी विचारधारा
अलग है, नदी के दो किनारे हैं। लालू यादव जी का बहुत सम्मान करते हैं। 25 में क्या होगा सर? 24 में ही तो नीतीश जी चुनाव का संकेत दिए नवंबर में। मतलब इंडिपेंडेंट रहेंगे आप या कांग्रेस को मजबूत करना चाहेंगे? प्रयास मेरा होगा कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए और कांग्रेस अकेले चुनाव मजबूती के साथ। आपके समर्थक कांग्रेस के नेता मंत्री के दावेदार बता रहे हैं आपको? भैया यदि कोई आदमी मुख्यमंत्री पैसा हो, यदि वो नारा दे रहे हैं तो अपना हर आदमी अपने साथियों के और जिससे प्यार करता है उसके बारे में कहता है। माँ भी बोलती है मेरा बेटा IAS होगा। आपको क्या तो यदि हमारे साथी हमारे नेता यदि नारा लगाते हैं तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? बिहार में कांग्रेस के नेता है, लोग मान लें कि पप्पू यादव कांग्रेस। अच्छा, हम अपने मन में सब कुछ बोले अब हमको जाने दीजिए। दिल्ली पहुंचेंगे पप्पू यादव चुनाव में ताल में रहेगा महागठबंधन में कांग्रेस और भैया अपने पूर्णिया को नंबर वन करने के लिए सीमांचल कोसी की आवाज के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।